हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ दीप्ति। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फ्लॉलेस मेकअप बेस। जो बिल्कुल नेचुरल मेकअप बेस है वो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो नेचुरल बेस परफेक्ट होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपका बेस ही परफेक्ट नहीं होगा तो आपका मेकअप बहुत केकी लगेगा। तो मैं वही आपको इस वीडियो में बताऊं कि आप इजी स्टेप से कैसे नेचुरल सा बेस अचीव कर सकते हैं। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा कि आप कैसे परफेक्ट बेस क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट आई एम टेकिंग मिनिसो हेड पेयर। सो ये हेयर पिन टाइप हेड पेयर है। सो ये मैं वेयर करूंगी। सो मैं इसका परचेजिंग आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। ये परफेक्ट हेड पेयर है जब आप मेकअप करते हैं तो आपके बालों को टाई अप करने के लिए, अदरवाइज आप कोई भी हेयर पिन यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर लूंगी। मैं यूज कर रही हूँ शुगर कॉस्मेटिक की आईब्रो पेंसिल है ये। मेरा शेड है जेरी ब्राउन। सो मैंने अपनी आईब्रोज को अच्छी तरह फिल कर लिया है। अब मैं ये नायका की लिप क्रेयॉन ले रही हूँ। आप कोई भी लिप बाम ले सकते हैं अपने लिप्स को नरिश करने के लिए। तो जब तक हम मेकअप करेंगे हमारे लिप्स जो है वो नरिश हो जाएंगे। तो अब मैं फेस के टोनर के लिए ये बायोटिक का कुकुम्बर टोनर यूज कर रही हूँ। ये मैं कॉटन पैड पे लेके अपने फेस पे डैप डैप करके अप्लाई कर लूंगी। इससे क्या होगा, जो मेरे पोर्स है वो टाइटन अप हो जाएंगे और फेस भी थोड़ा रिफ्रेश फील करेगा। थोड़ा इसे ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद हम फेस पे मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे। मॉइस्चराइजर के लिए मैं ले रही हूँ ये निविया सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइजर क्रीम है। ये मेरी ड्राई स्किन है तो मुझे ये परफेक्ट सूट करती है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ये मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। तो मैं अपने पूरे फेस पे इसे अप्लाई कर दूंगी अच्छी तरह। मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद मैं ये लॉरेल पैरिस का इनफेलेबल सेटिंग स्प्रे है ये यूज करूंगी। थोड़ा अपनी स्किन को स्प्रे करके इसे प्रेप कर लूंगी। थोड़ा सा ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद हम फेस पे अप्लाई करेंगे फेस प्राइमर। तो प्राइमर के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये नायका फेस प्राइमर है। बहुत अच्छा प्राइमर है और अफोर्डेबल प्राइमर है। तो मैं ये वन ड्रॉप अपने हाथ पे लेके अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर दूंगी। ये हमारे फेस के पोर्स को ब्लर करने में हेल्प करेगा। तो हम अच्छी तरह फेस पे पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे और हाथों से जेंटली ब्लेंड कर लेंगे इसे। तो फेस पे प्राइमर अच्छी तरह अप्लाई करने के बाद अब मैं कंसीलर अप्लाई करूंगी। कंसीलर के लिए मैं ले रही हूँ ये एलेगर प्रो कंसीलर है प्योर बेज। तो मैं इसको अपने जो डार्क पोर्शन है मेरे फेस पे, डार्क सर्कल्स है और जो मेरे फेस पे डार्कनेस है उसे हाइड करने के लिए अच्छी तरह जहाँ जहाँ डार्कनेस है वहाँ अप्लाई कर दूंगी। अगर आपके डार्क सर्कल ज़्यादा है तो आप ऑरेंज कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं ये प्योर बेज कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, आप इससे पहले ऑरेंज कंसीलर यूज़ करके देन उसके ऊपर आप ये यूज़ कर सकते हैं। अब मैं नायका कंसीलर ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ये जो कंसीलर है इसे ब्लेंड कर लूँगी। मैं टैपिंग मोशन में इसे ब्लेंड कर रही हूँ। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं टैप टैप करके इसे ब्लेंड कर रही हूँ बहुत अच्छी तरह। हमें ऐसे टैप करना है कि हमारी स्किन जो कंसीलर है उसे ऑब्जर्व करे। सो आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, बट ब्यूटी ब्लेंडर से ज़्यादा जो अच्छा रिजल्ट देता है वो कंसीलर ब्लेंडिंग ब्रश देता है। तो आप इससे टैप टैप करके अच्छी तरह अपने कंसीलर को सेट करेंगे। जितने अच्छे तरीके से आप टैप टैप करके इसे ब्लेंड करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये कंसीलर मैंने अच्छी तरह इसको सेट कर लिया है। अब मैं फाउंडेशन अप्लाई करूंगी। फाउंडेशन के लिए आई एम यूजिंग मेकअप रेवोल्यूशन बेस फाउंडेशन स्टिक है ये। मेरा शेड है F10 जो मेरी स्किन टोन को एग्जैक्ट मैच करता है। अगर आप मेरी स्किन टोन से मैच करते हैं तो आप ये शेड पिक कर सकते हैं। मैं इसे अप्लाई कर लूंगी पूरे फेस पे। नेक पे भी अप्लाई करिएगा, नेक को बिल्कुल नहीं भूलना है। नेक को भी आपको सिमिलर फेस की तरह ही फाउंडेशन अप्लाई करना है। अब मैं ये नायका फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश है इसकी हेल्प से फाउंडेशन को ब्लेंड करूंगी। मैं ड्रैगिंग मोशन में इसे फाउंडेशन को ब्लेंड कर रही हूँ। ड्रैग ड्रैग करके आपको नीचे डाउनवर्ड मोशन में ब्लेंड करना है। आपको अच्छी तरह आप ब्लेंड करेंगे पूरे फेस पे। आप ब्रश की हेल्प से डाउनवर्ड मोशन में ब्लेंड करिएगा। नेक पे भी ऐसे ही ब्लेंड करना है आपको। ये मैंने पूरा जो फाउंडेशन है उसे ब्लेंड कर लिया है। अब मैं ये ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ। ये पूना स्टोर का ब्यूटी ब्लेंडर है। सो इसको मैं क्या करूँगी, जो मेरा लॉरेल पैरिस का सेटिंग स्प्रे है उसको स्प्रे करूँगी। इसके बॉटम साइड पे स्प्रे करूँगी। सो जो इसका राउंड शेप है वहाँ पे स्प्रे करके देन हाथ पे थोड़ा सा टैप टैप करके
देन हम जो एक्सेस फाउंडेशन हमारे फेस पे होगा उसको हम टैप टैप करके जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो उसे अच्छी तरह सेट कर देगा। तो ये जो ट्रिक है ये मेकअप बेस को लॉन्ग लास्टिंग भी बनाता है और परफेक्ट नेचुरल बेस भी क्रिएट करता है। तो ये करने के बाद हम अपने फेस के हाई पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। उसके लिए आई एम यूजिंग मेबलिन एज रिवाइंड कंसीलर। सो मेरा शेड है मीडियम। सो मैं क्या करूँगी, जो मेरे फेस के हाई पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करने के लिए ये कंसीलर यूज कर रही हूँ। सो अपने अंडर आई एरिया और ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड बो, फॉरहेड, चिन एरिया, जहाँ जहाँ मेरे फेस को मुझे हाईलाइट करना है वहाँ पे मैं कंसीलर यूज कर रही हूँ। देन हम इसे ब्लेंड करेंगे, सेम ट्रिक फॉलो करेंगे ब्लेंड करने के लिए। जो हमारा ब्यूटी ब्लेंडर का जो अपर पार्ट है, जो फ्लैट साइड है, उस पर हम जो सेटिंग स्प्रे है उसे स्प्रे करेंगे। देन हम अपने कंसीलर को ब्लेंड करेंगे। हमें टैप टैप करके बहुत ही अच्छी तरह कंसीलर को सेट करना है और आपको बिल्कुल केकी फील, खुद ही को केकी फील नहीं होना चाहिए और अच्छी तरह टाइम लगा कर कंसीलर को सेट करेंगे। सो मैं फास्ट मोशन में अपने कंसीलर को ब्लेंड कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर से। कंसीलर को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की मेगा ग्लो कंटोरिंग पैलेट। सो इसमें वन साइड बनाना पाउडर है और वन साइड कंटोर पैलेट है। सो हम बनाना पाउडर को अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे लेंगे फ्लैट साइड से। देन हम अपने जो कंसीलर है उसे सेट करेंगे। हमें एक्स्ट्रा पाउडर से ही सेट करना है। सो आपको एक्स्ट्रा जो पाउडर है उसे सेट करना है, जैसे मैंने किया है। तो हम जो एक्स्ट्रा पाउडर है वो बाद में जब वो सेट हो जाएगा तो उसे रिमूव कर देंगे। फेस पे थोड़ा शेडो क्रिएट करने के लिए और थोड़ा सा शार्प दिखाने के लिए फेस को मैं कॉन्टोर यूज कर रही हूँ। सेम पैलेट में से मैं कॉन्टोर ले रही हूँ कॉन्टोर ब्रश की हेल्प से। सो जो चबी गर्ल्स होती हैं उनके लिए कॉन्टोरिंग बहुत हेल्पफुल रहती है। सो जो फेस है वो चबी नहीं लगता और जो जो आपकी चिन एरिया है वहाँ पे भी आप कंटोरिंग करेंगे तो आपका जो जॉ लाइन है वो ज़्यादा शार्प दिखेगा। बट मैं फेस को थोड़ा सा शेडो क्रिएट करने के लिए कंटोर यूज़ कर रही हूँ। सो आप देख सकते हैं जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ वैसे ही आपको यूज़ करना है। सो अपवर्ड डायरेक्शन में आपको ब्लेंड करना है। तो आप देख रहे हैं जैसे मैं अपवर्ड डायरेक्शन में इसे ब्लेंड कर रही हूँ वैसे ही आपको अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करना है। आप क्रीम कॉन्टोर भी यूज कर सकते हैं, जैसे लाइक लिपस्टिक, ब्राउन कलर की लिपस्टिक है उससे भी इजीली कॉन्टोर किया जा सकता है। तो मैं अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी, नोज को थोड़ा सा शार्प दिखाने के लिए नोज को कॉन्टोर करूँगी, चिन एरिया को कॉन्टोर करूँगी जिससे मेरी जॉ लाइन शार्प दिखेगी। सो अपने फॉरहेड को थोड़ा सा स्मॉल दिखाने के लिए आप फॉरहेड पे भी अप्लाई कर सकते हैं। चीक को थोड़ा सा नेचुरल दिखाने के लिए मैं ये मेबलिन फिट मी का ब्लश यूज कर रही हूँ। इस शेड नंबर है पिंक 25। सो ये बहुत नेचुरल सा ब्लश है, डेली वेयर के लिए परफेक्ट ब्लश है। सो मैं जहाँ पे कॉन्टोर मैंने अप्लाई किया था जस्ट उसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। आप देखेंगे बिल्कुल जस्ट उसके ऊपर मैं अपर मोशन में जैसे मैंने कॉन्टोर ब्लेंड किया था वैसे ही ब्लेंड कर रही हूँ। आपको चीक्स पे ब्लेंड नहीं करना है, जहाँ पे कॉन्टोर किया था मैंने जस्ट उसके ऊपर ऊपर ही ब्लेंड करेंगे। बहुत नेचुरल सा फेस को लुक देगा ये। सो बिल्कुल चीक्स पे ब्लश अप्लाई करके वो जोकर टाइप लगता है, तो आपको जस्ट ऐसे अप्लाई करना है और थोड़ा सा नोज पे अप्लाई कर लेंगे अगर आपको नोज को थोड़ा सा रेडिश सा नेचुरल सा दिखाना है। देन आई एम यूजिंग मेबलिन मास्टर क्रोम हाईलाइटर मोल्टन गोल्ड। सो आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं हाईलाइटर अप्लाई करना। तो मैं हाईलाइटर थोड़ा सा अपने हाई पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए अप्लाई कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं चीक बोन पे अप्लाई करूँगी। सो आप चाहे तो फैन ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं ये बफिंग ब्रश है थोड़ा सा उससे अप्लाई कर रही हूँ। तो आप देखिए मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ, सेम वैसे आपको अप्लाई करना है। तो सेम मैं नोज पे अप्लाई कर लूँगी और अपने क्यूपिड बो पे, चिन एरिया पे और फॉरहेड पे।
अब मैं एक क्लीन ब्रश की हेल्प से अपना जो एक्सेस पाउडर था, एक्सेस बनावट का पाउडर, उसको मैं रिमूव कर लूंगी। जस्ट आपको ऐसे रिमूव करना है, जो एक्सेस आपका जो फेस पे पाउडर होगा वो रिमूव हो जाएगा। अब लास्ट हम अपने बेस को बिल्कुल सेट करने के लिए सेटिंग स्प्रे है जो लॉरेल पेरिस का, आप कोई भी सेटिंग स्प्रे यूज कर सकते हैं, वो जस्ट अप्लाई कर लूंगी। अच्छी तरह ड्राई होने देंगे, आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर से थोड़ा टैप टैप करके भी ड्राई कर सकते हैं। आईज को मैं थोड़ा सा वॉल्यूम देने के लिए ये मेबेलिन हाइपर कर्ल मस्कारा है ये अप्लाई कर रही हूँ, थोड़ा लैशेज को बिगर दिखाने के लिए। जस्ट लाइटली वन कोट में अप्लाई कर रही हूँ, आप चाहे तो लाइनर या काजल अप्लाई कर सकते हैं, कर लेंगे। लिपस्टिक के लिए मैं ले रही हूँ नायका क्रियॉन लिपस्टिक है, ये बहुत ही परफेक्ट लिपस्टिक है, न्यू शेड है रियल टील, सो मैं ये अप्लाई कर लूंगी अपने फेस पे। इसके साथ आपको शार्पनर मिलता है तो आप इजीली इसको शार्प करके यूज कर सकते हैं, तो मैं ये न्यू शेड अप्लाई कर रही हूँ, आप अपना जो भी फेवरेट शेड है वो अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट मैंने लिपस्टिक अप्लाई कर ली, अब ये है मेरा फाइनल लुक। सो आप देख सकते हैं कितना नेचुरल बेस लग रहा है, बिल्कुल केकी नहीं लग रहा है और बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने एक्स्ट्रा कुछ अपने फेस पे अप्लाई किया है। आपको भी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स से जो फाउंडेशन का बेस है वो सेट करना है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को ऐसे ही फॉलो करेंगे तो आपका भी बेस ऐसे ही अचीव होगा, आपको फ्लॉलेस सा बेस। और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आप मेरी और मेकअप पिक्चर्स और मेकअप वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। तो चलो बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।